Hey guys, this is Sonu Alawat. लेकर आ चुका हूं दी कंटा पे शो का एपिसोड नंबर 73, जिसमें हम पूरे वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज 4-5 संडे मिस होने के बाद दी कंटा पे शो आया है। इसका रीजन ये है कि रेस्पॉन्स इसके ऊपर बहुत ही अच्छा नहीं आ रहा था, जिसके बाद मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा पोज देते हैं। पोज देने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने लगे, डीएम्स आई, यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल्स की, रास्ते मुझे मिलते थे कि भैया दी कंटा पे शो को दोबारा से स्टार्ट करिए। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि दी कंटा पे शो अब से एवरी संडे आया करेगा। बस जरूरत है आपके थोड़े से सपोर्ट की, आपके थोड़े से प्यार की। और हाल ही में मैंने आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर का एक मैराथन वीडियो प्रोवाइड किया था 6.5 घंटे का, जिसके ऊपर जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला। काफी दिन तक वो वीडियो हमारी ट्रेंडिंग में भी रही, जिसके बाद फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि एवरी संडे शाम 5 बजे दी कंटा पे शो कंटिन्यू रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की जो ये सामान्य अध्ययन की क्रांतिकारी बुक है, ये फिलहाल लिमिटेड स्टॉक में ही अवेलेबल है। अगर आपको इस बुक की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपका कोई एग्जाम आ रहा है, तो फटाफट बुक को परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और बुक शॉर्ट हो जाए, आपको थोड़ा और ज्यादा वेट करना पड़ जाए। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज कर लीजिए। बुक फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट से, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। गीतांजलि श्री को उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आप जिन्हें देख रहे हैं, ये है गीतांजलि श्री, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी नॉवलिस्ट है। हाल ही में इन्होंने एक नॉवल लिखा है जिसका इंग्लिश में नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। इस नॉवल को हिंदी में बोला जाता है रेत की समाधि। इसी नोबल के लिए गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि नोबल प्राइज के बाद दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो आता है वो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ही आता है, और अपने आप में इतिहास रचा गया है, क्योंकि गीतांजलि श्री पहली इंडियन है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, ये पुरस्कार हर साल उस सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है जो कि सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला नोवेल बन चुका हो, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर नोवेल हो। और फ्रेंड्स, इस प्राइज की एक और खास बात है, ये प्राइज हर साल एक इंग्लिश नोवेल को ही दिया जाता है, या फिर जो नोवेल इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया हो। और फ्रेंड्स, जो ये टॉम्ब ऑफ सैंड नोवेल है, ये रेत की समाधि नोवेल का एक इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन है, जिसको ट्रांसलेट किया है अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने। इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजित नोवेल टॉम्ब ऑफ सैंड को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, तो याद रखना है आपको, अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और फ्रेंड्स, जो ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, इसमें क्या दिया जाता है, कितनी धनराशि दी जाती है, और इसमें पुरस्कार के तौर पर क्या दिया जाता है, सम्मानित किस चीज से किया जाता है, नीचे देखिए। पुरस्कार जीतने वाले विजेता को £50,000 की राशि दी जाती है, भारतीय रुपए में अगर इसको देखें तो लगभग 49,03,222 रुपए के आसपास बैठते हैं। साथ ही एक शील्ड से सम्मानित किया जाता है। फ्रेंड, जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1969 में इंग्लैंड में बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा की गई थी। इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। क्लियर है, इंपोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, 2022 का बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है, जो कि इंडियन है, दिल्ली में फिलहाल रहती है, जन्म इनका मणिपुर में हुआ था, याद रहेगा। और फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं इस नोवेल की इंग्लिश ट्रांसलेटर, जिनका नाम है डेजी रॉकवेल। और फ्रेंड्स, जो ये धनराशि मिलती है ना, जो पुरस्कार मिलता है, ये इन दोनों के बीच में बांटा जाता है, इस तरीके से कहा जाता है। मतलब अगर धनराशि £50,000 मिले हैं, तो 25,000 पाउंड इनके होंगे, 25,000 पाउंड इनके होंगे, क्योंकि दोनों का योगदान इसमें बराबर है। क्लियर है, ये वो नोवेल है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि, जो कि एक 80 साल बूढ़ी औरत की कहानी है, जिसके पति का देहांत हो जाता है, और साथ ही पार्टेशन के बारे में भी इस बुक के अंदर दर्शाया गया है। तो अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक बताई जा रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है,
भारत की थॉमस का फाइनल में ऐतिहासिक जीत। फ्रेंड्स, हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में थॉमस कप की टूर्नामेंट आयोजित की गई, जिसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सबसे पहले समझते हैं थॉमस कप है क्या। अगर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज थॉमस कप, तो आपको सिंपल सा आंसर दे देना है कि ये एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन है। थॉमस कप एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन है। 2022 के कप को भारत ने जीत लिया है। लगभग 7 दशक के बाद यह ऐतिहासिक जीत भारत ने हासिल किया है। थॉमस कप के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हर साल इसमें लगभग 16 देशों की टीम हिस्सा लेती हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुई थी, इसका जो गठन हुआ था, स्थापना जो इसकी हुई थी, वो 1949 के अंदर हुई थी। ठीक है, मोस्ट टाइटल मतलब सबसे ज्यादा बार थॉमस कप किसने जीता है, उसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। लगभग 14 बार थॉमस कप का टाइटल इंडोनेशिया देश ले जा चुका है, और फाइनल में इंडोनेशिया को ही भारत ने हराया है और ये कप अपने नाम गया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, क्योंकि पहली बार ये जीता है। सबसे ज्यादा बार इस कप को कौन जीतता आ रहा है वो भी मैंने नोट कर दिया है। चीन कई बार इसको जीत चुका है, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और डेनमार्क, ये 4-5 कंट्रीज को बार बार ले जा रही थी, लेकिन अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है क्योंकि भारत ने पहली बार थॉमस कप को जीत लिया है। याद रहेगा फाइनल मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया है भारत ने। याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट है भाई। नेक्स्ट है 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में जापान में किया गया। फ्रेंड्स, क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में कई बार आपको डिटेल दे चुका हूं। ये एक 4 देशों का शिखर सम्मेलन होता है, जिसकी इस बार 4th बैठक जापान के टोक्यो में की गई, और फ्रेंड्स ये दूसरी इन पीपल मीटिंग थी। वो कैसे? फ्रेंड्स, क्वाड शिखर सम्मेलन की जो पहली वर्चुअल बैठक हुई थी मार्च 2021 में हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर कोविड की दूसरी वेव आ रखी थी, जिसकी वजह से वर्चुअली मीटिंग हुई थी पहली। दूसरी मीटिंग सितंबर 2021 में हुई थी, ठीक है, वो इन पीपल पहली मीटिंग थी जिसमें चारों देशों के मतलब जो लीडर्स है वो एक जगह बैठ के मिले थे, वो वर्चुअली नहीं थी। तीसरी इसकी जो मीटिंग हुई थी मार्च 2022 हाल ही में हुई थी, वो भी वर्चुअली हुई थी। चौथी इस बार मीटिंग इसकी हुई है हाल ही में, ठीक है, मई के अंदर इसकी चौथी मीटिंग हुई है, जो कि इन पीपल दूसरी मीटिंग थी, मतलब चारों देश पर्सनली मिले थे, ठीक है, ये वर्चुअली नहीं थी। तो ये पंगा आप समझ गए। अब क्वाड शिखर सम्मेलन होता क्या है, इसका मतलब होता क्या होता है? फ्रेंड्स, क्वाड का जो मतलब होता है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। कौन कौन से 4 देश इसमें शामिल हैं? इसमें एक हमारा ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और भारत है। जब भी ये मीटिंग होती है, चारों देशों के जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं वो एक साथ बैठकर वैश्विक मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें हमारे ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बेंस इस बार शामिल थे। देखिए फ्रेंड्स, पहले ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे वो स्कॉट मॉरिसन थे, जो 2022 में चेंज हुए हैं, एंथोनी एल्बेनिस बन गए हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम चेंज हो गए हैं। दूसरे यूनाइटेड यूएसए के प्रधान प्रेसिडेंट देख लीजिए जो बाइडन, और तीसरे फोमियो किसी दे जापान के प्रधानमंत्री, और चौथे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल थे। फ्रेंड्स, इसका जो गठन हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी एक तरीके से वो 2007 में हुई थी। कैसे क्वाड सम्मेलन की शुरुआत हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, प्रशांत हिंद महासागर में एक बहुत बड़ी त्रासदी या फिर बाढ़ आ गई थी, जो कि इसके तटीय देश थे उनमें बहुत जबरदस्त विनाश हो गया था। मदद के लिए ये 4 देश आगे आए थे, जिसके बाद उस टाइम पर जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि एक 4 देशों का एक समूह बनाया जाए, ठीक है, 2007 में इसका गठन हो गया था। उसके बाद ये इनएक्टिव हो गई थी, 2017 में फिर से इसको एस्टेब्लिश किया गया, दोबारा से अस्तित्व में आई, और फाइनली अब 2021 मार्च में इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका गठन हुआ था। जो वैश्विक मुद्दे होते हैं ना, उनके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, उनको सोल्यूशन करने की ये चारों देश कोशिश करते हैं, ठीक है, आपस में विचार का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि कोरोना महामारी के ऊपर आदान प्रदान किया चारों देशों ने, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। समझ गए? याद रखिएगा, चौथी बैठक कहां पर हुई? जापान के टोक्यो में। सारी डिटेल बता दी, कोई डाउट नहीं बचा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा, कैप्टन अभिलाषा बराक बनी देश की पहली महिला कॉम्बेट एविएटर। डेफिनेटली काफी सारे लोग यहां पर कॉम्बेट एविएटर का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। मतलब कैप्टन अभिलाषा बराक, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये देश की पहली कॉम्बेट एविएटर, मतलब लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला बन गई है।
कॉम्बैट एविएटर का मतलब यही है, युद्ध के टाइम पर जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है कैप्टन अभिलाषा बराक। हाल ही में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी है कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक से, जहां पर इनको फाइनली सम्मान के साथ ओहदा दिया जा चुका है। और ये जो उड़ाएंगी वो ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH को उड़ाने वाली है, जो कि एक काफी बढ़िया, काफी बड़ा, काफी एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझिए, इंडिया के अंदर जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, मतलब संघ शासित प्रदेश, उनके अंदर जो उपराज्यपाल होते हैं उनको गवर्नर नहीं बोला जाता, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, ठीक है। तो अभी तक सब लोग ये जानते थे कि जो दिल्ली कैपिटल के उपराज्यपाल थे वो अनिल बैजल थे, लेकिन हाल ही में अनिल बैजल जी ने इस्तीफा दे दिया है 30 मई को, कुछ पर्सनल कारण वगैरह बताए हैं। 2017 से वो उपराज्यपाल की पोस्ट पर थे दिल्ली के, ठीक है। तो 23 मई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया, और जो दिल्ली के नए उपराज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं वो विनय कुमार सक्सेना जी को किया गया है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो वही 23 मई 2022 के बाद दिल्ली के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुके हैं वो विनय कुमार सक्सेना बन गए हैं। और एक और प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बता दूं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, किसी भी राज्य के उपराज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, ये है विपिन सांघी। विपिन सांघी ने विनय कुमार सक्सेना को नए उपराज्यपाल के पद की शपथ दिलाई है। याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है, IRCTC ने रामायण यात्रा शुरू की। फ्रेंड्स, IRCTC से आप बाखूबी परिचित होंगे, क्योंकि जब भी आप ट्रेन के लिए कोई टिकट बुक करने जाते हैं ऑनलाइन, तो आपको IRCTC.co.in की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है। तो क्या आपने कभी सोचा है IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है? NTPC के एग्जाम के कई शिफ्ट में IRCTC की फुल फॉर्म पूछी गई, काफी सारे लोग तो गलत लगा के आ गए। तो आज नोट कर लीजिए, IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो हाल ही में फ्रेंड्स, IRCTC ने श्री रामायण यात्रा शुरू की है। किसके तहत इस यात्रा को शुरू किया गया था? भारत गौरव ट्रेन की योजना के बारे में कई सारे एपिसोड में मैंने आपको बताया है कि इंडियन रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन शुरू की है। यह एक योजना है, इसके तहत क्या होगा, यानी कि ऐसी ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी जिसके थ्रू भारत के जो तीर्थ स्थल है उसकी यात्रा कर पाएंगे, यानी कि रेलवे से टूर हम कर पाएंगे, ठीक है। भारत गौरव योजना ये थी। तो हाल ही में पहली भारत गौरव ट्रेन को लॉन्च किया गया है। पहली भारत गौरव ट्रेन को 21 जून 2022 को शुरू किया जाएगा, ठीक है। कहां से कहां तक ये ट्रेन जाएगी, कौन कौन से तीर्थ स्थल की यात्राएं करवा पाएगी, उसको हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली भारत गौरव ट्रेन ये है, 18 दिन की ये एक यात्रा होने वाली है, जिसको नाम दिया गया है श्री रामायण यात्रा, ठीक है। 18 दिन की यात्रा रहेगी। भारत एवं नेपाल के दो पवित्र तीर्थ स्थलों को अयोध्या तथा जनकपुर को जोड़ती है। नेपाल के जनकपुर के बारे में आप जानते होंगे, जहां पर एक भव्य मंदिर है, भगवान राम को समर्पित है, जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, जो ये भारत की पहली गौरव ट्रेन है, ये भारत और नेपाल के दो जो सबसे बड़े पवित्र स्थल है, एक अयोध्या और एक जनकपुर है नेपाल के अंदर, उनको भी आपस में जोड़ने वाली है। तो फ्रेंड, जो श्री रामायण यात्रा है ना, ये जो ट्रेन चलेगी 18 दिन की जो यात्रा करवाएगी, यानी कि भगवान राम से जुड़े जितने भी पवित्र स्थल हैं वहां पर ये टूर कराएगी, यानी कि उनकी ये यात्रा कराएगी, ठीक है। इंडिया के जो लोग हैं जो कि इन तीर्थ स्थलों पर घूमना चाहते हैं, वो भारत की पहली गौरव ट्रेन के थ्रू इन सभी पवित्र स्थलों की यात्रा कर पाएंगे, ठीक है। अयोध्या की तो यात्रा कर पाएंगे, साथ ही जो नेपाल में जनकपुर है, जानकी मंदिर है, वहां की भी यात्रा कर पाएंगे, और भी काफी सारे जो तीर्थ स्थल है वहां की भी ये यात्रा कर पाएंगे। तो काफी बड़ा कदम उठाया गया है हाल ही में, IRCTC ने श्री रामायण यात्रा शुरू की है। 21 जून 2022 को ये ट्रेन
मतलब निकलने वाली है, शुरू होने वाली है 18 दिन की ये यात्रा रहने वाली है, श्री रामायण यात्रा। क्लियर हुआ डाउट? यानी कि इस टाइप की ट्रेन रहने वाली है, भारत गौरव ट्रेन ये है। इसके अंदर पूरी एकदम लग्जूरियस फीलिंग आने वाली है। इसके अंदर जो मतलब वेटर वगैरह होंगे, जो कि सर्विस प्रोवाइडर होने वाले हैं, उनके भी कपड़े आप देख रहे होंगे एकदम ऐसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान रॉकेट बूस्टर HS-200 का किया सफल परीक्षण। फ्रेंड्स, हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहां से गगनयान रॉकेट बूस्टर जिसका नाम है HS-200 का सफल परीक्षण कर लिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है भारत फ्रांस की मदद से 2024 में गगनयान लॉन्च करने वाला है, जिसके तहत 3 साइंटिस्ट को, 3 एस्ट्रोनॉट्स को, 3 मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा रिसर्च करने के लिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होने वाली है। ठीक है, तो जो एक गगनयान लॉन्च किया जाएगा जिसके थ्रू इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, उसका जो रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट बूस्टर है HS-200, उसका सफल परीक्षण कर लिया गया है, यानी कि एक स्टेज पूरी हो चुकी है। और जो HS-200 है ना, इसका पूरा नाम है ह्यूमन रेटेड सोलिड रॉकेट बूस्टर, ह्यूमन रेटेड सोलिड रॉकेट बूस्टर इसका नाम है। इसी का सफल परीक्षण किया गया है, कहां से? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा। ठीक है, नेक्स्ट है कांस फिल्म फेस्टिवल पहली बार कंट्री ऑफ ओनर बना इंडिया। आप सभी को पता होगा 17 मई से 28 मई तक फ्रांस के अंदर कांस फिल्म फेस्टिवल चला, ठीक है, जिसके अंदर दुनिया भर की जो सर्वश्रेष्ठ नई मूवी होती है उनका प्रीव्यू भी दिखाया जाता है। इस फेस्टिवल के अंदर पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फेस्टिवल है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, और कांस फिल्म फेस्टिवल को पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इसमें ऐसे कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, स्पेशल इनविटेशन के बाद ही इस फेस्टिवल के अंदर एंट्री की जा सकती है। और इस बार ये 75वां संस्करण था कांस फिल्म फेस्टिवल का, और साथ ही आपको पता ही होगा भारत भी 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहा है 2022 के अंदर। ठीक है, तो एक अजीब सा संयोग बन गया। फ्रेंड, जो कांस फिल्म फेस्टिवल है इसकी स्थापना 20 सितंबर 1946 में हुई थी। इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? देखिए, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बेस्ट फिल्म के लिए पाल्मे डी और गोल्ड पाम दिया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है बेस्ट फिल्म के लिए, उसका नाम क्या होता है? तो गोल्डन पाम उसका नाम होता है। तो भारत को कंट्री ऑफ ऑनर दिया गया था। साथ ही इस बार का जो इंटरनेशनली थीम था इस फेस्टिवल का, देखिए वो क्या था, भारत द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। इस बार का थीम क्या था इंटरनेशनली? भारत द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत को कंटेंट हब बोला गया है, भारत को कंटेंट हब का सम्मान दिया गया, भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया, यानी कि भारत के अंदर बहुत जबरदस्त कंटेंट बन सकता है। बाहर की जो इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, वो भारत के अंदर आएगी, भारत के अंदर रिसर्च करेगी, एक्सप्लोर करेगी, ऑब्जर्वेशन करेगी और कंटेंट क्रिएट भारत के अंदर करेगी। भारत की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वो उनको इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगी, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत की तरफ से काफी सारे सितारे इसमें मौजूद थे, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, साथ ही जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, अनुराग ठाकुर, ये भी इसमें शामिल थे। यहां पर आप देख सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी भी है, जो कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के अलावा स्पोर्ट मिनिस्ट्री भी अनुराग ठाकुर के पास है, इतना भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो ये अवार्ड डिसाइड किया जाता है कि किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड, किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा वर्ल्ड के अंदर, वो जूरी करती है, यानी कि एक जूरी मेंबर बैठती है कांस फिल्म फेस्टिवल में, और उस जूरी मेंबर में भारत की तरफ से दीपिका पादुकोण भी मेंबर रही थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो याद रखिएगा, कंट्री ऑफ ऑनर कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत को दिया गया, और ये पहली बार किसी कंट्री को इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, हाल ही में यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, इंग्लिश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इसको बोला जाएगा। फ्रेंड्स ये एक सर्वे किया जाएगा ऑल इंडिया के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि जो ये सर्वे है ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे रहने वाला है। सबसे पहले समझिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है इसके मिनिस्टर कौन है, ये मंत्रालय किन के अंडर आता है, ये मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के अंडर आता है, यानी कि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी है, जिन्होंने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है, इसकी शुरुआत की है। और 2023 के लिए इसका थीम क्या रहेगा, देखिए 2023 की थीम अपशिष्ट से धन, अपशिष्ट से धन इसकी थीम रहने वाली है। तो इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किसने शुरू किया है, याद रखिएगा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है, मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम पोरूल का तिरुचिरापल्ली के एनआईटी में उद्घाटन किया गया। फ्रेंड तिरुचिरापल्ली कहां पर पड़ता है, ये तमिलनाडु स्टेट की एक जगह, एक शहर है जिसके अंदर एनआईटी पड़ता है और उसी में इसका उद्घाटन किया गया है। एनआईटी के बारे में आप जानते होंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लियर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर परम पोरूल जो कि एक अत्याधुनिक यानी कि एकदम मॉडर्न सुपर कंप्यूटर है, इसका उद्घाटन किया गया, इस सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की गई, क्लियर है। ये इस टाइप का सुपर कंप्यूटर दिखता है, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि लैपटॉप की तरह या फिर एक छोटा सा डेस्कटॉप की तरह सुपर कंप्यूटर होगा, ये एक बहुत बड़ा सर्वर होता है, उसी को सुपर कंप्यूटर बोला जाता है, तभी तो वो सुपर होगा जब उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है वो परम पोरूल सुपर कंप्यूटर, एग्जाम में पूछा जाएगा कि परम पोरूल क्या है, तो एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एनआईटी में इसका उद्घाटन किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रहेगा। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की। फ्रेंड्स टाइम मैगजीन के बारे में आप जानते होंगे, हर साल कोई ना कोई लिस्ट जारी करता रहता है और हर साल टाइम मैगजीन सबसे प्रभावशाली लोगों की भी लिस्ट जारी करता है। तो हाल ही में 2022 के लिए भी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, क्लियर है, यानी कि जिन लोगों से पीपल मतलब जो जनता है समाज है सबसे ज्यादा प्रभावित होती हो, जिनकी लोग सबसे ज्यादा सुनते हो, ठीक है, जिनसे लोग सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उन 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। और खास बात यह है कि इस लिस्ट में भारत के जो बिलियनियर हैं गौतम अडानी शामिल है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील जिनका नाम है करुणा नंदी वो भी शामिल है, कश्मीर की मानव अधिकारी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज भी इन 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल है। तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारत में से कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो गौतम अडानी ही हो जाते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2022 की लिस्ट है। नेक्स्ट है, WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर रहा है। कई बार आपको बता चुका हूं जितने भी इंडेक्स होते हैं मतलब सूचकांक होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हाल ही में फ्रेंड्स WEF का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाल ही में WEF ने एक रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट है क्या, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक इसको बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोल देंगे ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, यानी कि ये रिपोर्ट बहुत सारे देशों के ऊपर सर्वे करके जारी किया जाता है, ये देखा जाता है कि किस देश में जो टूरिज्म है उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है, किस देश में जो ट्रेवल्स है उसमें कितना विकास हुआ है, किस देश में ज्यादा लोग पर्यटन करने जा रहे हैं, किस देश में ज्यादा पर्यटक जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल। 2021 की यह रिपोर्ट WEF ने जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें भारत 54वें स्थान पर है। इससे पहले भारत काफी आगे था लेकिन इस बार पीछे चला गया बिकॉज ऑफ COVID-19 की वजह से। इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर आया और टोटल 117 देशों के ऊपर सर्वे करके इस लिस्ट को जारी किया गया है, जिसमें भारत 54वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर जापान रहा है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट रहा है, तीसरे स्थान पर स्पेन रहा है, चौथे स्थान पर फ्रांस रहा है, पांचवें स्थान पर जर्मनी रहा है और 54वें स्थान पर इंडिया, फिर 74वें पर श्रीलंका, 83वें पर पाकिस्तान, 100वें स्थान पर बांग्लादेश, 102वें स्थान पर नेपाल, 117 पर चाड, ठीक है।
तो ये हमारे देशों की लिस्ट है। तो एग्जाम में भारत के बारे में पूछा जाएगा, 54वां स्थान मिला है कौन सी लिस्ट में, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में किसने जारी की, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है भाई, और शायद आज के एपिसोड का लास्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट होगा, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022। लो भाई एक और इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायु सेना तीसरे स्थान पर रही, इसको बोलेंगे फ्रेंड्स वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022। यानी कि बहुत सारे देशों की वायु सेना के ऊपर सर्वे किया जाता है, यह देखा जाता है कि कौन से देश की वायु सेना ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है, तब उसको रैंक दी जाती है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन से देश की वायु सेना है, इसको रैंक फर्स्ट दी जाती है, दूसरे नंबर पर रैंक सेकंड दी जाती है, फिर रैंक थर्ड दी जाती है, और इस रैंकिंग में भारत की वायु सेना को तीसरी रैंक मिली है। यानी कि दुनिया भर के अंदर भारत की जो वायु सेना है वो तीसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली वायु सेना है। इस सूचकांक को किसने जारी किया है, नीचे देख लीजिए, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने इस सूचकांक को जारी किया है और भारत को तीसरी इसमें स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना शक्ति सूचकांक 2022 में तीसरे स्थान पर आ गई है भारत की वायुसेना। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट करंट इवेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में PDF आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेंगे। ये जो यहां पर लिखा हुआ है इसके आगे ऑफिशियल और जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो वे टू सक्सेस पहला टेलीग्राम चैनल था वो ब्लॉक हो गया था, अब नया टेलीग्राम चैनल है वे टू सक्सेस ऑफिशियल, सर्च करिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक जस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए सोनू अहलावत, इमरजेंसी में आपको कुछ अपनी बात पहुंचानी हो, अपना कुछ सजेशन देना हो, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दी करंट अफेयर्स शो को प्यार देते रहिए, बस एक लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा अच्छा सा लिख दिया करें, सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं भी फुल मोटिवेशन के साथ हर संडे दी करंट अफेयर्स शो का एपिसोड लेकर आ जाऊं। बाकी आपको बताइए, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दी करंट अफेयर्स शो से बाहर करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं जाता, क्योंकि पूरे हफ्ते बहुत ही डीपली एनालाइज करता हूं एक एक करंट अफेयर को, तब जाके गिने चुने मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर आपके लिए इकट्ठा करके लेता हूं, लेकर आता हूं। तो ये लास्ट वीक गया है ना, ये सभी उसके इंपोर्टेंट करंट इवेंट थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।